गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टूडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो दोज रिएक्शंस इन विच two or more substances combine together to form a single substance। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो सारी रिएक्शंस होती हैं जहां पर दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस। इसका मतलब एक सिंगल सब्सटेंस का हमारे पास वहां फॉर्मेशन हो जाता है एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें यहां, तो हम एक एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सो इन केस ऑफ एग्जाम्पल्स, इट इज बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कोल की बर्निंग की बात करें, दैट कार्बन विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट व्हेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो टू है एंड आफ्टर कंबाइनिंग दे आर फॉर्मिंग ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट का यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड वन हम बात कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वॉटर की। ऑलरेडी इस रिएक्शन को हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया दैट व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन्स विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वॉटर। तो यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस है विच कंबाइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस दैट इज वॉटर। एंड वन एक्टिविटी दैट वी स्टडीड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। So these three reactions are the example of combination reaction. तो ये सारे के सारे combination reactions के type। हम एक activity लेते हैं, एक activity की help से हम study करते हैं combination reactions को। So now we will talk about the activity. So in this activity, we have calcium oxide, which is also known as quick lime. When this quick lime or calcium hydroxide is dissolved in water, it forms calcium hydroxide, which is also known as slaked lime. So this reaction is example of combination reaction because two substances combine to form a single substance. There are few observations in this activity. The first one is the solution of calcium hydroxide is used for व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉश के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अगेन द रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू स्लेट लाइम, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइम वॉटर. एंड दिस रिएक्शन इज अ केमिकल टेस्ट टू चेक द रिलीज्ड गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू लाइम वॉटर, इट चेंज द कलर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज कलरलेस टू मिल्की, एंड द मिल्कीनेस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर बिकॉज देर इज रिलीज ऑफ हीट व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वॉटर. सो नेक्स्ट टाइप वी हैव डीकंपोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस और कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंगल सब्सटेंसेस, देन द रिएक्शन विल बी नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन. दीज रिएक्शंस जनरली टेक प्लेस when energy is supplied in the form of heat, sunlight or electric current. तो decomposition reactions में हमें ध्यान से देखना है सबसे पहले definition को. अगर definition की हम बात करें तो definition कहती है the reactions, वो सारी reactions जहां पर एक single substance या compound breaks हो जाए two or more single substances, दो या उससे ज्यादा सिंगल सब्सटेंस के अंदर, देन द रिएक्शन विल नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शंस. एंड द डीकंपोजिशन रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट, जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस हैं हम उन्हें प्रोसीड करा सकते हैं इन डिफरेंट मैनर्स बाय यूजिंग हीट. और अगर हम यूज करें हीट का, जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, जिस फॉर्म में हम सप्लाई कर रहे हैं वो हीट है अगर, देन द रिएक्शन विल बी नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन. अगर हम सनलाइट का यूज करते हैं डीकंपोजिशन कराने के लिए, देन द रिएक्शन विल नोन एज फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन और फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन. एंड सेम इफ यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, देन द रिएक्शन विल नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस और सिंपली इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस. So our next work is to discuss the examples of decomposition reactions by using the different modes, heat, sunlight and electric current.